अब फलेगा तभी अंतर बुझेंगे। अभी तो बाल इसका पतला है, उसका मोटा है। नहीं लेकिन अच्छी ज्यादा है ना ना ओजन। कौन सा गेहूं है ये? काला गेहूं कह के दिया है, और तो कोई दूसरा वैरायटी नहीं जानते हैं, और भले बगल वाला का वैरायटी जानते हैं कि श्रीराम 303। तो अमूमन जो यहाँ पर ज्यादातर जो खेत है, तो यहाँ पर कौन सा गेहूँ? श्रीराम 303 और 2967। तो उससे ये अलग है, ये काला? हाँ, अलग प्रजाति का है। इसमें बताया था कि ब्लड प्रेशर रेगुलर रहेगा, नहीं कम ज्यादा होगा, चीनी कम होगा, कोलेस्ट्रोल कम होगा, इसकी वजह से इसको लिया गया है लगाने के लिए। विटामिन बहुत। तो अभी इस इलाके में कितना एकड़ में इसका खेती हुआ होगा? लगभग वही 5-7 एकड़ में भी लोग किए हैं, जिसमें 5 एकड़ में बम बहु किए हुए हैं, और हम लोग थोड़ा थोड़ा में किए हुए हैं, सब लोग दो दो एक एक। अच्छा, अगर खर्च की बात करें तो लगाने के टाइम में अगर वो आमतौर पर सेम खर्चा है दोनों में? हाँ हाँ हाँ, दोनों में सेम खर्चा है, जो वो गेहूँ है वो ये गेहूँ में। और फायदा लेकिन इसका? फायदा इसमें बताया है, लेकिन हम पहले बार ही लगाए हुए हैं, वो तो उपज के बाद। तो अभी जिस तरह से फसल हुई है, तो अभी क्या अंतर देख रहे हैं उसके फसल में और ये जो काला गेहूँ है? अभी तो इसका टाइम ज्यादा, अभी ये फूल पर है, वो फर चुका है गेहूँ, दोनों में अंतर है। वो हो हाँ, फल चुका है, उसमें तैयार हो गया दाना, इसमें अभी फूल ही है। तो लग रहा है कि इस बार अच्छी पैदावार होगी? हाँ, देखने में लग, शुरू से ही लगा है कि उससे ज्यादा पैदावार होगा, लेकिन अब तो कटने के बाद यील्ड पता लगेगा। वो है 2967 उसका थोड़ी। हाँ, ये है काला गेहूँ ना जी। और एक प्लॉट वहाँ है, बगल में ही है। नहीं, हम देख भी रहे हैं, काफी बड़ा है हुआ है। मतलब काफी बड़ा है, पूरा घना है। हाँ, इसका प्लांट सबसे ज्यादा घना, उससे ज्यादा ग्रोथ करता है। हाइट भी है? हाँ, हाइट भी उससे ज्यादा है। साइड से लीजिएगा, उससे हाइट करके 6 इंच ज्यादा है। इससे हाइट भी? हाँ, उससे इससे 2 पानी पर भी उपजा सकते हैं। और इसमें ब्रांच बहुत ज्यादा करता है, एक चीज के पौधा में ब्रांच बहुत ज्यादा है। तो दियारा के भी किस योग कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रजनीश प्रसाद सिंह और पप्पू। फायदा सर उससे ज्यादा है। पहला चीज तो देखा गया है कि आप पानी का भी 2 पानी में इसको उपजा सकते हैं, और वो सब में 3 पानी लगता है। थोड़ा बीज महंगा है, और उसके बाद सब सेम ही रहता है। क्या कुछ खास है काले गेहूं में? खास सर उपजने के बाद ही देखा जाएगा उपज क्या होता है। इससे बोला जाता है शुगर वगैरह ये सब में बहुत औषधि के काम में आता है ये गेहूँ, उसी के लिए इसे लगाए हैं। देखते हैं पहला साल क्या है, ट्राई किया जा रहा है। कहाँ से बीज लाए थे? हम लोग तो ये बीज गांव से ही लिए थे, और यही कह के लिया गया था। क्या करनाल से सर लाया गया था? करनाल से लाया गया था, हम लोग यही डिस्ट्रीब्यूटर से लिए थे। 32 बोले 132 रुपए केजी था। तो अच्छा मुनाफा का आसार है? हाँ, मुनाफा तो है। फिर इसमें ये सब अगर 2000 बिकेगी तो इसको बोला गया है 4000 रुपये क्विंटल निकलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनु कुमार है।